बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन के चैप्टर का आगाज किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि फंक्शन होते क्या हैं और बनाए क्यों जाते हैं। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को मजीद आगे बढ़ाते हुए ये सीखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और इनको अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करके हमें क्या फायदा हासिल हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, एक ऐसी स्टेटमेंट्स का गुच्छा है जो कि किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने अलग अलग चार तरह के पीस ऑफ कोड डिफाइन किए थे। इसमें पहला पीस ऑफ कोड एडिशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था, इस तरीके से दूसरा पीस ऑफ कोड सब्ट्रैक्शन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था, तीसरा पीस ऑफ कोड मल्टीप्लिकेशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था और चौथा पीस ऑफ कोड डिवीजन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा था। और दोस्तों, चारों पीस ऑफ कोड को हमने अलग अलग नाम दे दिया था। और अब अगर हमें दो नंबर्स में एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो ये पूरा एडिशन का कोड लिखने के बजाय हम मेन फंक्शन में सिर्फ ये एड लिख देंगे और ऑटोमेटिकली ये पूरा 6 to 7 लाइन्स पर मुश्तमिल कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। Which means कि आपने एक बार किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए एक पीस ऑफ कोड लिख दिया, उस पीस ऑफ कोड को आपने कोई नाम दे दिया। अब जितने टाइम्स चाहे आपको वो टास्क परफॉर्म करवाना हो, तो उस पूरे कोड को लिखने के बजाय आप सिर्फ उस कोड यानी उस पीस ऑफ कोड को जो आपने नाम दिया है, सिर्फ उस नाम को आप मेन फंक्शन के अंदर इस तरह से लिख देंगे। और दोस्तों, इसी पीस ऑफ कोड को फंक्शन कहा जाता है। और डियर फ्रेंड्स, ये फंक्शन किसने बनाया है, यानी ये जो तमाम फंक्शंस आप देख रहे हैं, एड, सबट्रैक्ट, मल और डिवाइड, ये किसने बनाया है? क्योंकि इसको हमने बनाया है, तो इसीलिए हम इसको नाम दे देंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन का। यानी ऐसे फंक्शंस जो कि यूजर बनाते हैं, वो फंक्शंस कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपने ये एड का फंक्शन कॉल किया है इस जगह पर, ये देखिए जिस तरह आपने ये एड का फंक्शन कॉल किया है, इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो ये गेट सी एच ई का फंक्शन भी कॉल हुआ हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस एड के फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं, तो इसके कॉल का होने पर ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। और इस पीस ऑफ कोड को आपने लिखा है, ये आपको दिख भी रहा है। लेकिन अगर आप इस गेट सी एच ई के फंक्शन को देखें, तो इस गेट सी एच ई के फंक्शन के कॉल होने पर क्या कोड चल रहा है, इसके पीछे क्या कोड चल रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा। जबकि दोस्तों, ये भी किसी पीस ऑफ कोड का ही नाम है, यानी किसी फंक्शन का ही नाम है। यानी दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि इस गेट सी एच ई के पीछे जो कोड लिखा हुआ है, वो हमने नहीं लिखा, बल्कि वो पहले से ही किसी प्रोग्रामर ने लिख कर रख दिया है। तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहा जाता है, यानी ऐसे फंक्शंस जो कि पहले से डिफाइन हो, उनको प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है, जिनके पीछे जो कोड चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा होता। जबकि ऐसे फंक्शंस जो कि यूजर अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है, वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको दो चीजें वाजे हो गई कि फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड प्री डिफाइंड फंक्शन। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोस्तों ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से डिफाइन नहीं होते, बल्कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें खुद बनाता है, खुद डिफाइन करता है, इसीलिए इन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। जैसे एक कैलकुलेटर में हमें चार बेसिक फंक्शनैलिटीज चाहिए ही होती हैं, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करवाना होता है, तो इसीलिए हमने इन चारों फंक्शनैलिटीज के लिए चार फंक्शंस बना दिए। और क्योंकि ये फंक्शंस हमने खुद बनाए हैं, इसीलिए इन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, याद रखिए, एक प्रोग्राम में आप अपनी नीड के मुताबिक जितने चाहे फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा मद्देनजर रखें कि एक प्रोग्राम में बनाए जाने वाले तमाम फंक्शंस के नाम यूनिक होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर दोस्तों आपने एक ही प्रोग्राम में सेम नाम के दो अलग अलग फंक्शन बना दिए, तो फिर कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। और डियर फ्रेंड्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाद जो अगली किस्म है फंक्शंस की, वो कहलाती है
प्रीडिफाइंड फंक्शन। दोस्तों प्रीडिफाइंड फंक्शन के नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ऐसे फंक्शंस जो कि प्रोग्रामर खुद से नहीं बनाता, बल्कि ये पहले से बने हुए होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रीडिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। और इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको सिर्फ इनका नाम अपने प्रोग्राम में लिखना होता है। और क्योंकि ये फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें बिल्ट इन और रेडीमेड फंक्शन भी कहा जाता है। अब दोस्तों यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें किसने बनाया है। तो दोस्तों जब आप सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो उसको इंस्टॉल करते ही ये फंक्शन भी इंस्टॉल हो जाते हैं। और जिन लोगों ने इन लैंग्वेज के कंपाइलर्स को डेवलप किया होता है, इन फंक्शंस को भी इन्हीं लोगों ने बनाया होता है, और सिर्फ इन फंक्शंस को यूज करना होता है। और दोस्तों प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको पहले से बना बनाया कोड मिल जाता है, आपको खुद से लॉजिक लिखने की भी जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका टाइम बच जाता है प्रोग्राम को लिखने का, बल्कि आपका प्रोग्राम भी फास्ट हो जाता है। और दोस्तों इन्हीं फंक्शंस की वजह से नए प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्रामिंग को सीखना भी आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों तमाम प्री डिफाइंड फंक्शंस सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, इसीलिए इनको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए आपको उन लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना जरूरी है। जैसे प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि stdio लाइब्रेरी फाइल में डिफाइन है, इसीलिए प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको stdio.h लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करवाना जरूरी है। इसी तरह से getchar या getch फंक्शन को यूज करने से पहले आपको onio.h लाइब्रेरी फाइल को ऐड करवाना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शंस जैसे कि स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, टैन वगैरह को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो आपको math.h लाइब्रेरी फाइल को ऐड करवाना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी फंक्शन की टाइप्स। अब आइए जानते हैं कि फंक्शंस अपने प्रोग्राम में, यानी एक फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने का फायदा क्या है। तो दोस्तों ये इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटायर प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब टास्क। यानी फंक्शंस की बदौलत आप एक बड़े और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से द फंक्शन और सब टास्क आर शॉर्ट, इजियर टू राइट, अंडरस्टैंड एंड डीबग। यानी जब आपने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, आप उस बड़े प्रोग्राम के मुकाबले में हर एक फंक्शन को अलग अलग बनाना भी आसान, उसको समझना भी आसान, और उसमें एरर को तलाश करना और फिर रिमूव करना भी आसान। और दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, द फंक्शन हेल्प्स अस टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कोड। यानी दोस्तों एक बार आपने एक फंक्शन बना लिया, अब हर बार आपको उस बड़े से कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप उस फंक्शन के नाम के जरिए ही बार बार उस टास्क को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका टाइम बच गया, बल्कि बार बार एक जैसे कोड को लिखने से भी आप बच जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स इसका एक और एडवांटेज देखिए, फंक्शंस आर मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोस्तों एक प्रोग्राम में अगर आपने 5 फंक्शंस बनाए हैं, तो वो तमाम फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक के एग्जीक्यूट होने पर दूसरे फंक्शन पर कोई असर नहीं होगा। और दोस्तों क्योंकि फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, इसीलिए आप एक प्रोग्राम में लिखे गए फंक्शंस को दूसरे प्रोग्राम में भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर फंक्शन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि एक दफा आपने कोड लिख दिया, अब आप जितनी बार चाहें उस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल लाइन के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, और एक प्रोग्राम में फंक्शन को इस्तेमाल करने के फवायद क्या क्या होते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम मजीद फंक्शंस की डिटेल देखेंगे, हम फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना और फंक्शन को डिक्लेयर करना आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।